देख रहे हो इंटरटेनमेंट बस और आज हम बात करेंगे द लेजेंड ऑफ मोला जट का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। द लेजेंड ऑफ मोला जट इस मूवी ने यूके के अंदर सारी इंडियन मूवीज को बीट कर दिया है। सिर्फ एक ही बची है, वो है PS1। उसका कलेक्शन है 1.32 मिलियन डॉलर और उसका कलेक्शन है 1.2 मिलियन डॉलर। तो ये मूवी अपने सिक्स वीकेंड तक इसका कलेक्शन भी बीट कर देगी और सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बन जाएगी। इसने RRR KGF 2 ब्रह्मास्त्र को बीट कर दिया है। वो मूवी 5 लैंग्वेज में यूके के अंदर बहुत बड़े स्केल पर रिलीज़ हुई थी। ये मूवी एक छोटे स्केल पर रिलीज होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कलेक्शन कर रही है और इतनी बड़ी मूवीज़ को बीट कर रही है, इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा बात करें नॉर्वे के अंदर, तो नॉर्वे के अंदर भी इसने इंडिया की जो सबसे ज़्यादा हाइस्ट ग्रोसिंग मूवी थी वो थी बजरंगी भाईजान, उसके कलेक्शन को भी बीट कर दिया है। बात करें कलेक्शंस की, तो ये 4 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान से कलेक्ट कर चुकी है 66.79 करोड़। और उसके बावजूद कि इसमें वर्ल्ड कप भी आया था और पॉलिटिकल मतलब मसले भी थे, उसके बावजूद इसका कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त आया है। और जिस दिन मैच होते थे उस दिन कलेक्शन इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता था, खासकर जब जिस दिन पाकिस्तान या फिर इंडिया का मैच होता था तो कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता था। तो उसका जो बात करें कलेक्शन, तो वो 66.79 करोड़ हो चुका है पाकिस्तान से सिर्फ 4 हफ्तों का। और ओवरसीज मूवी एक दिन पहले रिलीज हुई थी, उसका 29 डेज का ओवरसीज कलेक्शन है 111 करोड़। तो इसके बावजूद इसका टोटल वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बनता है 177.9 करोड़। तो उसका जो कलेक्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है। मूवी 200 करोड़ क्रॉस करेगी आने वाले 2 या 3 हफ्तों के अंदर, 200 करोड़ भी क्रॉस कर लेगी। अब प्रेडिक्शन ये है कि लाइफ टाइम कितना कलेक्शन करेगी ये मूवी। लाइफ टाइम के अंदर 280 करोड़ तक का कलेक्शन कवर कर सकती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ।